सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में लगभग 3 लाख जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई, और वो खबर आई है जीडीएस पे कमेटी रिवीजन की जो सिफारिश है उनके रिवीजन के संबंध में। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 6 जून 2018 को कैबिनेट ने जीडीएस पे कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए थे, और उसी से सभी जो जीडीएस कर्मचारी हैं उन्हें 1 जुलाई 2018 से 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है। और इस कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के बाद में सभी जो जीडीएस कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने काफ़ी सारी डिमांड की थी कि सरकार ने उनके साथ में धोखा किया है, और उनकी जो सिफारिशें थी या फिर कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और इसी के संबंध में उन्होंने काफ़ी सारे मेमोरेंडम सबमिट किए थे, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से भी सभी जो एमपी और एमएलए हैं उनको मेमोरेंडम सबमिट किए थे, और उनसे ये निवेदन किया था कि इसमें दखल दिया जाए और जो जीडीएस पे कमेटी की सिफारिश है उनको लागू किया जाए। लेकिन इसी के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीडीएस पे कमेटी की सिफारिशों कमेटी की जो सिफारिश थी उनमें अब किसी भी तरीके का संशोधन नहीं किया जाएगा, और जो भी कमेटी की सिफारिश थी और जिनको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है उन्हीं का लाभ जीडीएस कर्मचारियों को दिया जाएगा, और अब से आगे कोई भी कमेटी के द्वारा जीडीएस कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको रिवाइज नहीं की जाएगी। हो सकता है कि जब जीडीएस बाकी केंद्रीय कर्मचारियों का के लिए पे कमीशन का गठन किया जाए उस समय जीडीएस कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचा जाए, लेकिन उससे पहले किसी भी तरीके से जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी अलाउंसेस और बाकी जो सर्विस रूल्स हैं उनमें बदलाव होने के कोई भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आप सीधा देख पा रहे हैं कि जो लोकसभा में प्रश्न पूछा गया था और इसका आज 25 जुलाई 2018 को जवाब दिया गया है, और इसमें इन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है जिसके तहत केंद्रीय जो जीडीएस कर्मचारी हैं उनकी पेंशन रिवाइज किए जाए। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं कि देयर इज नो सच प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ सैलरी ऑफ जीडीएस एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो दोस्तों ये जीडीएस कर्मियों के लिए काफ़ी बुरी खबर है कि लोकसभा में भी ये स्पष्ट कर दिया है कि जीडीएस पे कमेटी की सिफारिशों से ज़्यादा जीडीएस कर्मचारियों को कोई भी यानी कुछ भी मिलने यहाँ पर नहीं जा रहा है। और इसमें इन्होंने फिर बाकी जो सिफारिशें थी जिनको जीडीएस पे कमेटी ने रिकमेंड किया था और कैबिनेट ने उनको अप्रूवल दिया था उसका भी जिक्र किया गया कि कौन कौन से अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। तो इसी सब के बारे में चैनल पर पहले से ही वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उनका लाभ आप जरूर उठा सकते हैं, क्योंकि जीडीएस पे कमेटी को अप्रूवल मिलने के बाद में हमने कई सारे वीडियो चैनल पर डाले हुए थे जिसमें आपका जो रिवाइज टीआरसीए है फिर आपके जो अलाउंसेस हैं उन सब के बारे में सूचना उनमें दी गई है। और इसमें भी इन्होंने यही बताया कि जो अलाउंसेस थे या फिर जो रिवाइज टीआरसीए के स्लैब्स हैं वो किस प्रकार रहेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये आई है कि सरकार जीडीएस पे कमेटी की सिफारिशें जो कि कैबिनेट ने अप्रूवल दी थी उनसे हटके और कुछ नया यहाँ पर बदलाव करने नहीं जा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, खबर सबके लिए बुरी खबर है लेकिन क्या करें, हमारा मकसद आपको खबर पहुंचाना है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करेंगे जिससे वो भी सरकार के इस अंतिम फैसले के बारे में जान सकें और वो भी अपना आगे का जो निर्णय है वो ले सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से बहुत